दान कर दीजिए, कुछ आप वस्त्र का दान कर दीजिए। ऐसा करने से और पवित्र जल में स्नान करने से जितने भी अशुभ प्रभाव हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, सब मंगल होता है। इसलिए रामनारायण जी पात्रता का निर्धारण हम कैसे करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से जी पात्रता का निर्धारण उसकी आवश्यकता के, जैसे मान लीजिए गरीब होना बहुत आवश्यक है, हम बहुत कोई धनिक व्यक्ति को दान करेंगे तो उस दान की वस्तु का वो सदुपयोग नहीं करेगा। जिसको आवश्यकता है वो दान लेने वाला जब व्यक्ति आप देखेंगे गंगा के किनारे जब आप स्नान करने जाते हैं, अभी हमारे वाराणसी में देखिए लाइन लगी हुई है, लोग स्नान करके निकल रहे हैं और घाट के किनारे सैकड़ों गरीब लोग थाली लेकर के वो लोग दान की चीजों को लोग कहते हैं। यहाँ काशी में राजा का दान और प्रजा का स्नान ऐसे करके मांगते हुए वो तमाम ऐसे लोग हमारे भिक्षुक दिखाई देंगे, उन भिक्षुकों को यथाशक्ति दान दीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि गरीबों का आशीर्वाद उनकी जो दुआ लगती है वो दुआ जो है हमारे सभी प्रकार के अशुभों का नाश करती है और शुभों का उदय करती है। तो हमें पात्रता का निर्धारण उसकी आवश्यकता के अनुसार करना है और गंगा के किनारे जो पंडे बैठे हैं, जो पुजारी बैठे हैं, जो पुरोहित बैठे हैं, हम यथाशक्ति उनको भी दान करें और जो गरीब हमारे घाट के किनारे याचक के रूप में बैठे हैं, वो याचका नहीं, वो याच्यंते बोध्यंते गृहे गृहे, वो याचक याचना नहीं कर रहे हैं, वो बोध करा रहे हैं। दीयताम दीयताम रे नहीं ईदृशी गतिर्त्व भविष्यति, वो कहता है याचक कि हमें दान करो, नहीं आने वाले समय में तुम्हारी यही गति होगी, क्योंकि ईश्वर करता यही है। राजा करोति रंकानम रंकानम राजमेव चा, ईश्वर जो है यही तो करता है। जब प्रहलाद से भगवान ने पूछा कि कर्ता परमात्मा करता क्या है, उसने कहा परमात्मा यही करता है कि ईश्वर करो लंका करोति राजानम राजानम रंकमेव चा, गरीब को राजा बना देता है, राजा को गरीब बना देता है। यही तो ईश्वर की विलक्षणता है, यही तो उसकी विशिष्टता है, यही तो उसकी दिव्यता है। इसीलिए हमें इन बातों का दान का तो बहुत बड़ा महत्व है। दान करने से सभी प्रकार के पापों का क्षय होता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। दान करने से सभी प्रकार के अशुभता का नाश हो जाता है। इसीलिए दान जितनी शक्ति हो, जितनी आपके अंदर श्रद्धा हो, अधिक से अधिक दान करना चाहिए। उपयोगी वस्तुओं का दान करना चाहिए, सतपात्रों को दान करना चाहिए। गंगा के किनारे बैठे पुरोहित पंडित गरीब निर्धन भिक्षुक सबको दान करके अपनी शक्ति भर, ऐसा कर लेने से सभी प्रकार के पापों का क्षय होता है। दान हमारे यहाँ सबसे प्रधान कर्म बतलाया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को दान करना चाहिए। बिल्कुल, आपने प्रत्येक व्यक्ति अंत में कह दिया तो मेरे शंका का समाधान होता दिख रहा है। लेकिन एक जो प्रश्न मेरा व्यक्तिगत प्रश्न भी इसको कह सकते हैं, आपने जब मैंने पात्रता का निर्धारण की बात की तो आपने कहा कि पुरोहितों को पंडों को जिनको जरूरत हो उसकी, जो कि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न ना हो, मजबूत ना हो, उनको दान करना चाहिए। लेकिन क्या विप्र ही दान ग्रहण करने का अधिकारी है? ये मेरा प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि इसका आप थोड़ा सा विस्तार से वर्णन। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। विप्र विप्र तो विप्र के पास विप्र दान लेने का भी अधिकारी है और दान देने का भी अधिकारी है। यज्ञम याजनम चैव, विप्र जो यज्ञ भी करता है और दान भी लेता है, दान भी देता है। लेकिन इसके अलावा जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो भिक्षुक हैं और जो भी आपसे मांग ले, मांगने वाला अगर आपके सामने हाथ फैला दिया तो वो सभी दुनिया का हर व्यक्ति दान का अधिकारी है। मांगना सबसे पहले आप समझ लीजिए कि व्यक्ति के अंदर वो क्रिया जब पैदा होती है याचना वाली, अगर कोई याचक आपके सामने हाथ फैला दे तो उसकी वही पात्रता है। अगर आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर वो वस्तु है, तो आपको निश्चित दान करना चाहिए। मांगना ही उसकी पात्रता है। हाथ फैला देना, सबका हाथ किसी के सामने कोई फैलाता है क्या? हाथ जब आता, हाथ जब हमारे अंदर एक प्रवृत्ति बनती है, मन से एक चैतन्यता आती है, हम अगर किसी के सामने हाथ फैला दे रहे हैं तो कहते हैं मांगन से पहले वो मुए जिन्ना मांगन दे, मांगने वाले से पहले उनको मर जाना चाहिए जिनने मांगने वाले को दिया नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ अष्टधा मृत्यु कही गई है। इसीलिए याचक को कभी असंतुष्ट नहीं करना चाहिए। जो हो हमारे पास नहीं है तो
तो हम कुछ तो आंशिक उसको कोई दूसरी वस्तु देकर के कर सकते हैं, लेकिन छल छद्म वाले दानदाता को दान नहीं करना चाहिए। रावण जैसा छली बन करके कोई अगर दान लेना चाहे तो उसके दान का निषेध है, लेकिन वास्तव में यदि वो पात्रता करके दान का अधिकारी है तो सभी को दान करना चाहिए, किसी वर्ण विशेष पर इसका उपराग नहीं है। हाँ, सत्पात्र विप्र को दान करने से अधिक पुण्य होता है, जो आवश्यकता अनुसार जो बाकी लोग हैं उनको भी दान करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मैं एक एक करके, चूंकि ये वो प्रश्न है जो कि आम व्यक्ति के मन में सामान्यता उठते हैं और उनको अगर इसके उत्तर मिल जाए तो न्यूज स्टेट की यही सफलता होगी। मैंने दान पर बात की, दान पर बहुत अच्छा जवाब आपका आया। प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि दान में पात्रता के निर्धारण पर हमने चर्चा कर ली और उसका एक अच्छा जवाब भी रामनारायण जी ने दिया है। जोड़ना चाहूंगा, बहुत अच्छा। आप उसको जोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ उसको उत्तर देते हुए अगर आप जोड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा सवाल यह है कि मंत्रों की बात लगातार की जा रही है, दान पर हमने बात कर ली और मंत्रों पर आते हैं कि अगर जब तक सूतक काल चल रहा है ना भी चले तो सामान्यता मंत्रों की शक्ति के बारे में चर्चा होती है। एक बहुत स्वस्थ संवाद हो रहा है आप लोग अगर आज आए हुए हैं। सवाल ये है कि मंत्रों की शक्ति पर मैं बात करना चाहूंगा, क्या उनके अंदर ताकत है, कैसे ग्रहण के प्रभाव को कम कर सकते हैं अगर वो दुष्परिणाम आप पर डाल रहा है। मंत्रों की शक्ति पर मैं चाहूंगा आप अपना उद्बोधन दें और जो दान पर जो बात हो रही थी उसको जोड़ते हुए। देखिए, दान पे तो दुबे जी ने बहुत अच्छा समझाया, इससे अच्छा नहीं कोई बस समझा सकता। बस मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि श्रद्धा या माप्यते शक्ति, यानी कि शक्ति कैसे बनती है, आपको शक्ति कैसे मिलेगी, आपके मन को या आपके चित्त को, आपके बुद्धि को शक्ति कैसे मिलेगी कि हाँ कि मैंने दान दिया है। तो जहाँ पर आपकी श्रद्धा होती है ना, वहीं दान दिया जाता है। अगर जैसे सबसे हमारे पुराण के अंदर तो देखो, अंगूठे का भी दान दिया है, श्रद्धा थी तो दे दिया। तो इसका मतलब यह कि दान आपको, अगर आपकी विप्र पे श्रद्धा है तो भैया उनको दे दीजिए, अगर आपकी विप्र पे श्रद्धा नहीं है, किसी गरीब पे है तो आप उनको दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, लेकिन दान जरूर दीजिएगा। पहली चीज ये हो गई। दूसरा प्रश्न आपने क्या किया था मुझसे, मंत्रों का। तो देखिए, मंत्रों में तो बहुत शक्ति है और इस पर रिसर्च भी हो गई है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बकायदा इसका एक सब्जेक्ट है, हमारे देश में अभी चल रहा है, लेकिन ये कैलिफोर्निया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक है, वहाँ पर चांटिंग सिखाई जाती है, वहाँ गायत्री मंत्र का पे रिसर्च होती है, वहाँ पर महामृत्युंजय जाप मंत्र पे रिसर्च होती है, उसकी नोड पे रिसर्च होती है, उसकी ध्वनि पे रिसर्च होती है। तो वहाँ से ये पता चलता है, वहीं की मैं संदर्भ दूंगा, क्योंकि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, हम लोग जानते सब कुछ है या नहीं, हम लोग मानते सब कुछ है लेकिन हम जानते नहीं है, यानी जानना चाहते नहीं है। हम ज्योतिष मानते हैं, ग्रहण मानते हैं, लेकिन उसको रिसर्च करने के लिए भी कहते हैं ना कि धर्मम मूलम अर्था, कि धर्म को अच्छा विस्तार करने के लिए धन की जरूरत होती है। अब आप समझ रहे होंगे कि धन की जरूरत होती है, अब धन कौन देगा, अब जब आप हम जैसे ज्योतिषी लोग रंक होंगे तो हम कहाँ से रिसर्च कर पाएंगे। रिसर्च के लिए बृहद होती है। पहले के जो ऋषि थे, आप देखिएगा, हम सारे कोट ना, जितने भी ब्राह्मण हैं सब पुरानी बातों को हम कोट करते हैं कि हमारे ऋषियों ने ये कहा, हमारे ऋषियों ने वो कहा। क्यों? उस समय पे जो देखा जाए तो एक कोष होता था ऋषियों के पास, उनको रिसर्च के लिए पर्याप्त धन मिलता था, पर्याप्त सेवाएं मिलती थी, पर्याप्त सुविधाएं मिलती थी, इसलिए वो रिसर्च कर पाए। अगर हम लोगों को और अच्छे विद्वानों को अगर ये चीजें मिलेगी तो आज भी बहुत अच्छा निकलेगा। और मंत्रों में बहुत शक्ति है, मंत्रों में रिसर्च की गई है, बकायदा इसमें रिसर्च है कि प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार चंद्र ग्रहण को लेकर हमारी ये मेगा कवरेज जारी है। रुकते कुछ पलों के लिए, लगातार बने रहिए अपने स्टेट के साथ।